सर उस दिन हम लोग सारे अपने सब अपने अपने कामों में बिजी थे, तो अचानक से ही हल्ला मचा कि भीड़ भीड़ इकट्ठी करके लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग एकदम इकट्ठे होकर सामने किस साइड से आए, जो हमारे जमनेवार के सामने जस्ट मुस्तफाबाद पड़ता है हमारे यहाँ। 24 फरवरी की बात है, 25 फरवरी ये जहाँ पर जो तकबर लगभग आप ये 23 की शाम से ये चीज़ें बननी शुरू हो गई थी, तो 24 को अचानक हल्ला मचा और बहुत सारे कम से कम 1500-2000 लोगों की भीड़ इकट्ठी एकदम से यमुना विहार के ऊपर अटैक कर दिया। और जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया था तो वो देख के यही लग रहा था कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से थी, मतलब ये प्री प्लानिंग चीज़ें थी जो कि हमारे ऊपर अटैक किया गया यमुना विहार के ऊपर। जी हाँ जी, तो भीड़ ने अटैक किया तो उनका तो टारगेट ये था कि लोगों को मारने से साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान देना है बहुत ज़्यादा। तो पूरी लाइन के अंदर उन्होंने आग जलाना, घरों के अंदर पेट्रोल बम फेंकना और गाड़ियों में आग लगाना उनकी शुरुआत करनी शुरू कर दी थी एकदम से ही। और लोग एकदम भीड़ इस हिसाब से आए थे कि पूरी प्री प्लानिंग थी, ऐसा नहीं था कि एकदम से कुछ हुआ हो। कैसे लगा आपको प्री प्लान था ये? प्री प्लान ऐसे लगा कि उन लोगों के पास दूर तक फेंकने वाली कुछ चीज़ें, जो छोटी छोटी हाथ की लोहे की बनाई हुई गुलेले थी उनके पास, पेट्रोल बम के उनके पास थैलों में भर के लेके आए हुए थे, और जो स्टोन्स वो लेके आए थे वो ऐसे सड़क पे तो स्टोन्स नहीं थे, वो लॉन्डर्स जो होते हैं जिससे रोड बनती है वो इतने बड़े बड़े कट्टों के अंदर भरे हुए थे, तो वो रोड पे पड़े हुए वाले पत्थर तो नहीं थे। पूरी तैयार थी। और साथ में ये भी था कि ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि उनका टारगेट सिर्फ यही था कि पूरी लाइन को आग लगानी है ना। उनका उन्होंने झगड़ा सामने शुरू किया तो होता है कि सामने से आदमी झगड़े के मूड से आता है कि नहीं कोई खास हो नहीं, कुछ कहा कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, जो दिख रहा है उसमें उन्होंने आग लगा दी, जो चीज़ दिख रही है उन्होंने उसको पूरा तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरी पूरी यमुना विहार के अंदर घुसने की उनकी प्लानिंग थी, इवन पेट्रोल पंप तक उड़ाने की उनकी प्लानिंग थी कि इसको भी उड़ा देंगे। ये भी लगता है कोई रेकी की गई है? प्रॉपर था ये पूरी की पूरी प्री प्लानिंग थी जो चली आ रही थी। हम तो जिस टाइम से CA NRC का जब सब CA चल रही थी तो लोग सिर्फ देख रहे थे भारी चीज़ें कि हाँ भाई कुछ लोग बैठ के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना धरना दे रहे हैं, लेकिन वो धरना नहीं, वो प्रॉपर एक तरीके से पूरे इलाके की रेकी हो रही थी। और एक एक चीज़ उन्होंने देखी कि भाई कहाँ से अगर हम जाएंगे तो कहाँ से हमें एंट्री मिलेगी और भागते टाइम हमें कहाँ से भागना होगा। तो आप यकीन करिए कि उन्होंने प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ सारा काम किया। कितने दिन से चला होगा धरना? धरना तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक से चल रहा था यहाँ पर सामने, एक महीने से चल रहा था। लोग बैठते थे धरना में? तकरीबन 2 से 2500 लोग रेगुलर बैठे बिल्कुल सामने हमारे फ्रंट लाइन पर। और आपको ये लगता है कि वो जब वहाँ बैठे हुए थे तो साथ साथ समानांतर रूप से एक रेकी भी चल रही थी? जी बिल्कुल एरिया की। जी बिल्कुल 2500 लोगों में जानी पहचान लोग हमने नए लोग दिखते थे जितने भी पीछे सारे अंदर कॉलोनी वाले लोग थे उसके अंदर से। और इसमें बाद में सब लोगों को जो न्यूज आई बाद में चीजें आई तो देखा कि बाहर से भी बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर, बाहर के दिल्ली के बाहर के भी कुछ लोग थे यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों के साथ मिल करके। एक बात बताइए, अगर यहाँ लोकल लोग भी शामिल रहे तो जब वो आए तो क्या उन्होंने अपना चेहरा ढका था? उनमें कुछ लोगों की पहचान हुई? जो चेहरे तकरीबन सभी नहीं ढके हुए थे, और चेहरा भी ढकने का कोई ये तरीका नहीं था कि इसने अपनी जेब से रुमाल लगाया हो और बांध लिया हो, प्रॉपर उनके पास इस तरीके के मास्क थे, सिर्फ आंखें दिख रही थी, सिर्फ आंखें। हाँ जी, आंखें दिख रही थी। और जो फ्रंट लाइन पे थे, जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे और जो पत्थर चला रहे थे वो लोग। तो क्या इन्होंने कुछ लाइनें ऐसी बांटी हुई थी ये फ्रंट लाइन? हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे सामने फ्रंट लाइन से तो वो फेंक रहे थे पेट्रोल बम, और उसके बाद जैसे ही वो पीछे हटते तो सामने से पीछे वो पत्थर फेंकने वाले लोग सामने आ जाते, तो ऐसे करके वन बाय वन प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस ऐसा लगा क्योंकि कोई ट्रेनिंग कराई गई है इस तरीके से, वो ट्रेंड लग रहे थे जिस तरीके को फेंक रहे थे पत्थर। क्योंकि मैं नहीं मानता एक छोटा सा बच्चा इतने दूर दूर पत्थर फेंक रहा है, और जस्ट वो फेंक नहीं रहा, वो लग भी रहे थे हमारे यहाँ पे लोगों को, बहुतों के सर फूटे, बहुतों के मेजर इंजरीज हुई हैं यहाँ पर जो बेचारे पत्थर की वजह से। तो वो पत्थर ऐसे वाले नहीं थे कि सड़क से उठाया और फेंक दिया, प्रॉपर वो इस तरीके वाले पत्थर थे कि हाँ वो लगेगा तो सामने वाले की इंजरी बहुत अच्छी होगी। आपने बताया कि 2 से 2500 लोग आए। हाँ, क्या आप कुछ एज भी बता सकते कि इस एज? सभी एज के बच्चे थे उसके अंदर, बुजुर्ग थे, जवान थे, सभी लोग थे उसके अंदर, इवन औरतें भी थी कुछ, तो वहाँ पर औरतें भी शामिल थी। सब बुरखे में थी औरतें, मतलब मर्दों ने वो लगा रखा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी उनकी। हाँ जी, सामने ढका था चेहरा और औरतों ने बुरखा पहन रखा। बाकी बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ ढकाव नहीं किया हुआ था, वो वैसे ही पत्थर वो जो भी उनके हाथ आ रहा था वो फेंक रहे थे। ये तो लंबे समय से यहाँ एक माहौल तो बन गया था आपके यमुना विहार भजनपुरा के आसपास, कब आपने समझा कि आप फंस गए? जैसे ही भीड़ आई एकदम से, सबसे पहले तो जो मेरे साथ बैठे हैं कमल जी, इन्हीं के रेस्टोरेंट के ऊपर, तो आप ऑन मतलब खुला था आपका उस वक्त जब? हाँ।
ग्राहक भी थे और फैमिलीज बैठी हुई थी अंदर, जिसमें मोमडंस भी थे और हिंदूज भी थे जी। और ये सब जो हुआ है एक्चुअली, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक महीने तक वो टेंट लगा के बैठे हुए हैं और वहाँ पे पहले शांति से सब कुछ आराम से हल्के हल्के भाषण चलते रहते थे, बट ये 24 तारीख को दंगा स्टार्ट हुआ है, उससे 2 या 3 दिन पहले वहाँ से हमें समझ में आने लग गया था कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा शाउटिंग होने लगी थी बाहर से कोई लोग। 2-3 दिन पहले से आपको समझ आ गया था कि अब से बात, क्योंकि वहाँ पे जो भाषण दिए जा रहे थे वो एकदम भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। 2-3 दिन पहले वहाँ पे बाहर से लोग आने शुरू हुए थे जो भाषण देने के लिए, जिनको बुला रहे थे बिल्कुल, क्योंकि हमारे रोड के सामने अपोजिट, जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है उसके ठीक अपोजिट साइड में वो बैठे हुए थे लोग, एक महीने से बैठे थे, जब तक हमें समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं, बट 2-3 दिन पहले ये समझ में आ गया था कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। और 23 तारीख की शाम को करीब, शाम की बात है, जब इन्होंने क्या करा, पहली बार जब इन्होंने ये पता चला कि अब होगा, वो था कि वो टेंट छोड़ के रोड पे आकर बैठ गए, उन्होंने आके रोड ब्लॉक कर दी, फिर थाने से पुलिस वगैरह आई, ये जो भी आए उन लोगों ने उनको समझा बुझा के 23 तारीख को उनको कहा कि आप रोड ब्लॉक मत करिए, उनको साइड कर दिए। बट 23 तारीख को फिर हमें थोड़ा सा आभास हो गया था, क्योंकि 1-2 दिन पहले से यहाँ पे भड़काऊ भाषण बहुत ज़्यादा चल रहे थे। 24 तारीख को करीब 10:30-11 बजे होंगे शायद, टाइम मेरे को भी इतना टाइम हो गया याद नहीं, लगभग यही टाइम था, फिर दोबारा से वही सब शुरू हुआ और पुलिस की गाड़ियों पे गाड़ी आई, पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी और पुलिस के ऊपर जब पथराव शुरू हुआ है उस टाइम हमने देखा कि 2,500 लोग नॉर्मली वहाँ पे रहते थे टेंट में, बाहर महिलाएं पुरुष बच्चे सब 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 होते थे, बट जब पथराव शुरू हुआ है तो जो सामने गलियां थी उसमें से एक तरह से मॉब निकल के आया, वो कम से कम भी 5,000 से 6,000 लोग उस टाइम पे हो गए थे जिस टाइम पथराव शुरू हुआ है। इसका मतलब ये संख्या 8-10 हजार के आसपास, ये डबल ट्रिपल हो चुकी थी एकदम से, मतलब जैसे ही पथराव शुरू हुआ है पुलिस ने शायद लाठी चार्ज कहा नहीं कहा हमें नहीं पता उस बारे में, क्योंकि रोड के अपोजिट साइड थे, बट हमें पता चला कि पथराव शुरू हो गया, हमने जैसे जाके बाहर अपना चैनल बंद किया, क्योंकि तो जो चैनल हमने बंद, जो चैनल होते हैं हमने वो बंद कर दिया, और जो लोग थे हमने उनसे कहा कि आप पीछे के रास्ते से उनको बाहर निकाला, इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग नॉर्मली आते रहते थे आसपास में, दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो जब वो लोग निकाले हैं उसके बाद हमें पता चला कि पथराव पूरी तरह ज़्यादा और ज़्यादा उग्र हो गया और पुलिस वाले वहाँ से कूद के भागने लगे, फिर हमें फायरिंग की आवाज़ सुनी, शायद वो उस टाइम पे DCP को शायद या ACP थे जिनको गोली लगी थी जी, तो पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके इस तरफ हमारे ठीक हमारे सामने से निकले रेस्टोरेंट के सामने, हाँ रेस्टोरेंट के ठीक अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में हाँ वही उसी टेंट के पास जहाँ पे पथराव खींच के उनको ले जाना चाह रही थी कि अंदर की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, तो जो उनका ड्राइवर था या जो भी था उनका संरक्षक होते हैं उसने वो फायरिंग की, हाँ उसको फायरिंग हुई, उसको भी उसको गोली लगी है, उधर से गोली मारी गई, उसको उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तो उसके पीछे पीछे फिर सारा मोह इस साइड कूद के आ गया और उसने सबसे पहले आते ही पेट्रोल पंप की तरफ बढ़े, वो पुलिस वाले कुछ जो थे पेट्रोल पंप के साइड में पतली सी गली थी वहाँ पे फंस गए, हमारे रेस्टोरेंट के जस्ट साइड में और पेट्रोल पंप के बीच में एक गली थी, पुलिस कुछ वहाँ पे करीब 10 से 12 पुलिस वाले फंस गए थे जिनके ऊपर पथराव पूरी तरीके से हो रहा था, पथराव हो रहा था और पुलिस वाले को जिसको गोली लगी है उसको फ्रंट से वो लेके जा रहे थे, पुलिस वाले टैकल करते हुए निकले हैं जी, जब पुलिस वाले निकल सकते थे निकल गए, बट जो फंस गए फिर उनको हमने थोड़ा सा अपने बैग में गेट से उनको खींच के अंदर ले गए, पुलिस वालों को बताया, जब तक पता चला कि उस साइड पे जो पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे आग लगाने की कोशिश हो रही है, ये भजनपुरा पेट्रोल पंप, तो भजनपुरा पेट्रोल पंप पे जब आग लगाने की कोशिश चल रही थी, तो उस टाइम पे मतलब हम लोगों ने जितने डर गए होंगे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बस उस टाइम पे हम बस ये कर सकते थे कि जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश, खबर कैसे पहुंची आप तक, यहाँ शोर शराबे की जस्ट सामने था हमारे, तो पेट्रोल पंप तो पेट्रोल पंप जस्ट हमारे साइड में था, साइड में है जी जी, पहले ये एक्चुअली आउटलेट हमारा वहीं पे था पेट्रोल पंप के साइड में जो दंगों में जला दिया गया था, तो जब पुलिस वालों को हमने खींच के अंदर लेके आ गया तो पुलिस वाले सब बैक वाली लाइन पे चले गए थे, फ्रंट पे पुलिस वाले नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या करा, जब पुलिस वाले उनके हाथ नहीं लगे उन्होंने फिर चीज़ों को आग लगाना शुरू किया, सबसे पहले वो पेट्रोल पंप की तरफ गए, पेट्रोल पंप पे उन्होंने आग लगाई और वहाँ पे बहुत तेज धड़कें उठ गई हैं, वो पेट्रोल पंप के जो लोग थे वो भी दीवार करीब 15 फीट की दीवार थी जैसे तैसे करके उनके ऊपर से फूट के पीछे भागे हैं वो पेट्रोल पंप के जो लोग थे जी, फिर भी उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी और अच्छा हुआ ये हुआ कि उन्होंने शायद नोजल वगैरह कुछ जो होता है वो बंद कर दिया था, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होता कि पूरा यमुना विहार उड़ सकता था, पूरे पेट्रोल पंप में आग लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फ्रंट से शटर वगैरह डाल के हम लोग भी अंदर से बैक साइड वाली रोड पे आए, तो जब हम बैक साइड पे आए तो हमें पता चला कि आगे फ्रंट साइड पे पेट्रोल पंप आग लगी है, तो हमने सबको कहा यहाँ से निकलो, आपने यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा इस टाइम पे क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट हो गए तो सब लोग मारे जाएंगे, तो हम लोग यही कर रहे थे, इतने में पता चला कि उन्होंने फ्रंट साइड से हमारे 2 आउटलेट थे
एक बिल्कुल कॉर्नर पे बेडरूम के साइड में, चार प्लॉट छोड़ के एक हमारा और आउटलेट था जी। तो हमें पता चला कि बेडरूम में आग लग गई, तो फिर उन्होंने हमारे जो कैमरे लगे हुए थे हमारे यहाँ पे जी, उनमें से पांच लोगों की शक्ल भी आई थी जो फेस, हाँ उसमें विदाउट मास्क, विदाउट मास्क। अरे फिर वो, और वो करीब 15-16 साल के लड़के थे, ज्यादा बड़े लड़के नहीं थे, मुश्किल से अगर कोई मैक्सिमम होगा भी तो 18-19 साल का होगा बस जी जी। उनकी बकायदा हमने फोटोज भी दी थी, न्यूज में भी चली थी वो सारी, हमारे कैमरे की फोटोज जो थी। और हमारे रेस्टोरेंट के जस्ट ऊपर एक वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट था, जिसमें करीब 40-50 लोग थे, बच्चे थे सॉरी। तो उन बच्चों को भी हम पीछे की साइड से निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपने जीना वीना लगा के, जो यहाँ के निगम वो सब फंस गए थे, हाँ फंस गए थे, फ्रंट से छोटे छोटे बच्चे फ्रंट से आग लगा दी थी उन्होंने जी, बेडरूम फेंक रहे थे, आग लगी सामने, आग लगी अंदर पूरा धुआं। और ये 24 तारीख के दोपहर की बात, ये 24 तारीख, ये 12 बजे, 12 बजे के 11:30-12 बजे के आसपास की बात है। तो उन लोगों को जब हम निकाल रहे थे तो करीब 45-50 बच्चे हम लोगों ने बैक साइड से निकाले, अब फ्रंट पे आग लगी हुई थी, बैक साइड से हम बच्चे निकाल रहे थे। उसी टाइम पे हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद वो भी हमारे साथ में थे, उन्होंने ही उन्हीं के पास फोन किया था कि हम लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो फिर फटाफट। तो निगम पार्षद कौन थे आपके? हमारे यहाँ से उस टाइम पे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी थे, अभी भी वही हैं जी। तो ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है, आपके निगम पार्षद यहाँ जान बचा रहे थे, एक निगम पार्षद रोड के उस तरफ थे जो लोगों की जान ले रहे थे। आप इस तरीके से देखिए कि बच्चों को लिटरली पहली मंजिल से नीचे फेंका गया था, जिसको हमने कैच किया इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। किस उम्र के बच्चे थे ये जिनको आप ऊपर से? ये करीब होंगे 13 साल के बच्चे ऐसे थे, हम चद्दर ले लेके उनको नीचे, आप लोग वो ऊपर से कूद रहे थे, उन्हें फेंका जा रहा था, उन्हें हम नीचे कैच करके बचा रहे थे, उन्होंने फेंका। लास्ट में जो वहाँ के टीचर थे वो भी जब निकले हैं लास्ट में, वो भी बेहोश हो गए थे, इतना धुआं अंदर जा चुका था। वो टीचर ने इतने लोगों की जान बचाई, टीचर्स ने जो निगम पार्षद थे, कुछ हमारे लड़के थे, सब लोग अपने जैसे हो सकते था हम लोगों ने, और टीचर बाद में बेहोश हो गए जो बाद में। क्या नाम है टीचर का? वो उनका जोशी जी नाम, जोशी जी। हाँ, तो अभी पढ़ा रहे हैं या अभी? अभी है, उनका संपर्क में पे है। हाँ। तो इसी तरीके से पूरा पथराव हो रहा था सब, अब उस टाइम पे हंगामा इतना हो चुका था कि हम लोग जब बैक पे रहे, फ्रंट पे हम नहीं आए सर्विस लाइन पे, क्योंकि सर्विस लाइन पे पथराव बहुत ज्यादा हो रहा था। हमें ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा आग लगा देंगे, वो हमें सिर्फ हल्का सा बाहर कुछ कर रहे होंगे। तो हम बैक साइड से जाके एक थोड़ा सा आगे जाके एक हॉस्पिटल था वहाँ पे, मोहन नर्सिंग होम, हम उस हॉस्पिटल के वहाँ पे जाके खड़े हो गए, क्योंकि एक वही एक रास्ता था जो मोब को अंदर जाने की जगह दे रहा था। तो हम करीब मेरे रेस्टोरेंट से कुछ लोग थे, उसको रोका आपने, रास्ते ब्लॉक किया, हम लोगों ने, कुछ लोग और भी थे मोहल्ले पड़ोस के, सब लोगों ने वहाँ पे मतलब कोशिश करी किसी तरीके से उनको रोके, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे जी, सब लोग वहाँ पे आ गए कि ताकि बैक साइड पे न जा सके। हम सब वहीं पे खड़े थे, बट ये नहीं पता था कि वो फ्रंट पे वो आगे से आग लगाते हुए आ रहे थे। उन्होंने जो हमारा दूसरा आउटलेट था उसमें भी फिर आगजनी कर दी, और जो डीसीपी साहब की गाड़ी खड़ी थी वो हमारे रेस्टोरेंट के सामने थी, उसमें भी आग लगाई। हाँ, करीब 5-7 गाड़ियाँ थी जो एक ही लाइन में थी, और सब में आग लगाई गई, और जो आग लगाने वाले थे वो सिर्फ 5 से 6 लोग थे। अब आप ये देखिए कि एक साथ इतना पेट्रोल, जिसमें कि पेट्रोल पंप 3 दिन से बंद था वजनपुरा, हाँ। पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट हमारे आसपास सारे पेट्रोल पंप थे, इतना पेट्रोल कहाँ से? यानी कि उन्होंने पहले ही इकट्ठा करके सब कुछ रखा हुआ। मैं पूछने वाला भी था, मुझे तो कई लोगों ने बताया कि हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बोल रहे थे सुबह 3 बजे यहाँ लाइन लगी होती थी बहुत लंबी, हाँ। पेट्रोल लेने के लिए, हाँ। ऐसा था, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब लेके, और कितने दिनों से नहीं खुले पेट्रोल भी यहाँ से लोग ले गए, 4-5 दिन से लगातार लंबी लंबी गाड़ियां लगती थी। और जब उनके पास पेट्रोल पंप खत्म हो गए हैं, अपोजिट साइड में एक दारू का ठेका था जी, वो ठेके का शटर तोड़ के उसकी बोतलें निकाली गई हैं, वो फेंके, उसको फिर बम बना के उसको भी फेंका गया, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा के, उसमें दारू में भी मतलब उसमें कपड़ा का मिला के, वो भी फेंके गए हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं छोटी छोटी बोतलें उनमें सब में आग लगा लगा के वो भी फेंके गए हैं। मतलब वो शराब जो वाइन शॉप है उनकी शराब की बोतलों को बम की तरह इस्तेमाल किया, जितनी पी गई सामने हम लोग देख रहे थे, बच्चे बच्चे जो थे मतलब 15-16 साल के, जितने पीने पीने फिर आग लगा रहे फेंकने, ये माहौल उस टाइम पे चला था। हम लोग सामने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उधर से इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा था कि वहां से गोलियां चल रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, साउंड कुछ भी मतलब ऐसे था कि सब वो बिल्कुल फ्री स्टाइल तरीके से कर रहे थे, जैसे पूरी प्लानिंग हो और बिल्कुल काम डाउन तरीके से, कि हाँ भाई जैसे हम लोगों में था, हम भागा दड़ी एकदम अफरा तफरी में पड़ गए थे, क्या करें कैसे बचे, वो इस मोटिव से थे कि बिल्कुल प्रॉपर उनको मारना है, और अच्छे तरीके से कूल माइंड होकर के ना खूब अच्छे तरीके से हमले कर रहे थे। उन दंगों में कितने का नुकसान हो गया होगा रेस्टोरेंट का और आपका अपना? जो दोनों आउटलेट मिला के मेरा जो नुकसान हुआ करीब 36 लाख का नुकसान, 36 लाख का सीधा सीधा नुकसान। और मिला कितना आपको सरकार की तरफ से? 1.5 लाख रुपए वो भी अकाउंट में आए थे,
वरना अगर हम हमें पता होता तो हम 2 लाख। इसमें पार्शियलिटी करी गई दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा, 2 रेस्टोरेंट के लिए 1.5 लाख रुपए टोटल दिए हैं, बहुत पार्शियलिटी करी इस चीज की। बहुत किस तरह की पार्शियलिटी? एक्चुअली हम नाम तो देखे नहीं लेंगे किसी का, बट कई दूसरी कम्युनिटी के लोग थे जो जानकार थे हमारे जी, जिनसे पहले अच्छी बातचीत थी हमारी, उन्होंने इवन खुद आके मुझे बताया कि हमारा नुकसान 2.5 लाख का हुआ, अगर हमारे तो मजे आ गए, हमें 8.5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिले, कुछ एनजीओ और संस्थाओं ने आके मदद, 8.5 लाख रुपए हमें मिले। इवन कुछ सलून वाले थे जिनका नुकसान मुश्किल से हुआ होगा 1.5 लाख रुपए का, सलून में क्या होगा, कुछ भी नहीं था, और उनको दिल्ली सरकार की तरफ से 8-8 लाख रुपए दिए गए, और जिनका बहुत मेजर नुकसान हुआ जिसमें कि कमल जी भी आते हैं, 1.5 लाख, और इनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देकर इनको कहा गया कि आप ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि मेरे पास फोन आया, पता नहीं कोई शायद कोई विभाग बनाया गया होगा या कुछ बनाया गया होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शायद कंप्लेंट डाली कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है, हमें पैसे नहीं दिए गए, तो उनका फिर फोन आया था। अब उसके बाद फिर उन्होंने पता ही नहीं कौन से उससे थे वो विभाग से, उनका कहना था कि हम आपको 1 लाख रुपए और देंगे, आप हमें अपनी तरफ से NOC दे दीजिए, हाँ, ये हमारा स्थान, हाँ, तो हमने कहा हमें 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, आप अपनी NOC, हमें NOC भी नहीं देनी, हमें वो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। तो और उसके बाद फिर एक बार उसी बंदे का फिर फोन आया, उसने कहा कि हम आपको 6 लाख रुपए दिलाएंगे जिसमें से आप 3 लाख महज हो गए, 3 लाख रुपया मुझे दे दीजिए, हाँ कमीशन। वो बंदा मिलने भी नहीं आया उसके बाद, अब हमने कहा हम तो नहीं इस तरीके से करेंगे, तो 2-3 बार उसका फोन आया, बट अब वो क्या है, वो शायद है या नहीं है, किसी और विभाग में चला गया, क्या है, अब वो फोन नहीं उठा रहा, वो फोन भी नहीं उठा, हाँ, क्योंकि हमने सोचा चलो इसको एक बार रिकॉर्डिंग करी जाए, कुछ करा जाए जी, तो शायद उससे पता चला हो या जो भी है, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। ये काफी मुश्किल रहा होगा, मतलब लोग तो 4 साल पहले इन दंगों से निकल के आगे निकल गए, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाहर के लोग हैं अब उनको याद भी नहीं है 4 साल पहले क्या हुआ। हम लोग अभी भी उससे निकल रहे हैं धीरे धीरे, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नुकसान इतना बड़ा था कि वो इतनी जल्दी से पूरा हो नहीं सकता, घर जमीन वगैरह बेच के स्टार्ट किया था सब काम, अब धीरे धीरे फिर से। तो परिवार की क्या स्थिति थी जब ये इतना बड़ा, तो वो तो असर तो परिवार पे भी आया होगा, परिवार की जो बारे में कहता हूँ कि 2-3 महीने तक तो हमें ये नहीं समझ आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि फिर 1 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर जो हम दोबारा सोचे थे कि दोबारा से स्टार्ट करेंगे कुछ करके, हमने 1 महीना जो हमारा निकला था लॉकडाउन से पहले और दंगे के बाद, उसमें हमने जो हमारी गांव की जमीन बची हुई थी वो भी सब हमने बेच बाच के पैसे इकट्ठा किया, ये मुजफ्फरनगर साइड में हमारा, तो हमने वहाँ से फिर कुछ इकट्ठा किया कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, हमने उसको थोड़ा बहुत ठीक करा, पूरा पहले जैसा नहीं कर पाए, पर ये था कि हम उसको वर्किंग कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे थे। 1 महीने जब हमें 2-3 दिन ही इसको स्टार्ट करे हुए होते दोबारा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर वो हमें फिर शट डाउन करना पड़ा करीब 4-5 महीने बाद, जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला उसके बाद हमने इसको क्लोज ही कर दिया। काफी मुश्किल रहा होगा ये सब चीजें फिर से वापस, हाँ फिर से उस टाइम पे फिर हम लोग कुछ टाइम के लिए गांव में चले गए थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा करेंगे यहाँ पर, करने के लिए कुछ था ही नहीं। ये मुश्किल हमारे लिए इसलिए था क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, अचानक से अगर हम अपने घर बैठे और घर बैठे बैठे एकदम भूकंप आता है तो सब घर के परिवार डर जाते हैं, लेकिन अगर जिसको पहले से पता हो कि हाँ ऐसा होने वाला है तो वो पहले तैयारी करेगा, हमें हम इस पूरी बेल्ट को यमुना विहार को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, दूसरा पक्ष पूरी तैयारी, दूसरा पक्ष इस कदर तैयारी में था कि सामने से बाद में पता लगा कि कुछ स्कूल जो अंदर बने हुए थे उनमें से 2 स्कूल मेरे दोस्त के थे, तो वहां पर दंगा शुरू हुआ लगभग 12 बजे के आसपास, और सुबह ही 9:30-10 बजे जो वहां के पेरेंट्स थे जी, जो वहाँ पे मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे उन सबके पेरेंट्स आ करके अपने स्कूल बच्चों को स्कूल से लेके जाना शुरू कर दिया था, जो टीचर्स ने पूछा कि भाई आप क्यों अभी तो बच्चा स्कूल आया, आप 1 घंटे में बच्चे को वापस लेने आ गए, तो सभी की सिर्फ स्टेटमेंट थी कि दंगा होने वाला है, बलवा होने वाला है, हमें हमारे बच्चे सेफ चाहिए, और वो ऑलमोस्ट उस पीरियड को शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले अपने बच्चों को भी स्कूल से ले गए थे घर, और जिसमें कि हमारे बच्चे बाहर जिस तरीके से नॉर्मल खेल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल में थे, कुछ ट्यूशन में थे, मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे थे जिनको ऊपर से फेंका गया, उनकी तैयारी इस कदर थी कि वो उससे 2 घंटे पहले अपने बच्चे तक को सेव करके अपने घर पे लेके जा चुके थे स्कूलों से, कम्युनिकेट कर रहे थे कि हाँ ये पूरा मैसेज, हाँ कि बचाव कैसे करें, ये जो प्रोग्राम जो भी इन्होंने बनाया हुआ था ये सब हुआ है मंडे, ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग जो यमुना विहार इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं ज्यादातर सब लोग अपने ऑफिसों में निकल चुके थे, अपने काम पे जा चुके थे, घर में लेडीज और बच्चे ही थे इस टाइम पे हुआ, ये बच्चे भी सब नहीं थे, कुछ स्कूल गए थे, कुछ कहीं गए थे, मतलब कोई जेंट्स ज्यादा नहीं थे, वो तो जो लोग वहाँ पे जिनका खुद का बिजनेस था कुछ वो लोग
कुछ जो बड़े बूढ़े लोग थे वो, और जो कुछ पुलिस वाले थे वही लोग इस साइड पे, और अपोजिट साइड में आप देख सकते थे उस टाइम पे 6,000 करीब 7,000 कम से कम इतने लोग थे, जो कि 2,500 से ज्यादा नहीं होते थे कभी वहां पे। और एकदम से सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर 2,500 से 6,000 लोगों का बनना कोई आसान चीज तो है नहीं है सनु, पहले से सारी चीज तय क्योंकि हमने करना है। हमने अपने आंखों से देखा कि जिस तरीके से भीड़ उधर से निकल के आ रही है और सबके हाथों में पत्थर है, उस उन गलियों से निकल के आ रही है और भीड़ पूरी भर के आ रही है। कमल जी, रोड फुल हो चुकी थी, बड़ी सेंसिटिव जगह पे थे और आपने बहुत करीब से देखा। बिल्कुल, एक बात बार बार कही जाती है कि ये एक कोशिश थी। इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगभग 40 लाख की आबादी रहती है, इसको जो मुख्य धारा की जो दिल्ली जो दूसरी तरफ है यमुना की उस तरफ, उसे काटने की कोई कोशिश थी, इस तरह भी देखा आपने दंगों को? सर, अब इस लेवल तक तो हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम तो यही जानते थे कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस पर रहता था, फोकस ये होता था कि हाँ भाई ठीक है। वही लोग जो सामने बैठते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि वो पानी लेने भी आते थे हमारे पास, वही लोग। हाँ। कुछ चेहरे ऐसे थे जो हमारे नॉन टू थे, जिनको हमने फ्रंट लाइन पे खड़े देखा, लेकिन उनकी बाद में वही लोग वही लोग शामिल भी थे। अब क्योंकि मुंह ढका हुआ है वो कह नहीं सकते कि वो थे नहीं थे, बट आए उसी समूह से थे। हाँ। उस तरफ से ही कई बार मैं बता रहा हूँ, एक महीने तक वो रेस्टोरेंट के अपोजिट में बैठे हुए थे, पानी भी गया है, कई बार चाय भी बना के लेके गए, कई बार खाना भी लेके गए हैं। कुछ लोग जैसे आ जाते थे, कोई बड़े लोग आ जाते थे उनके लिए खाना भी लेके जाते थे पैक करा के, इस तरह की चीजें भी होती थी। जिस दिन दंगा हुआ है, जिस दिन आग लगाई गई है, उस टाइम पे भी अंदर कम से कम 4 से 5 लोग थे जो उस कम्युनिटी के भी थे, और कुछ इतने ही कुछ इस साइड के भी थे। तो हमने तो उनको भी निकाला और इनको भी निकाला बैक साइड से, क्योंकि जब पथराव हो रहा पत्थर तो देखा गया नहीं कौन है सबको लगा। हाँ, और वो हमारे कस्टमर है, हमें तो नहीं बचा, आपने निकाला हो, हमने उन सबको पीछे बैक साइड से निकाल दिया। आपने ये फर्क नहीं किया कि नहीं ये तो दूसरी कॉलोनी का ही हमारी, अब हम उनमें कैसे फर्क कर सकते हैं जब वो हमारे पे फर्क नहीं कर रहे, हमारे रेस्टोरेंट में आगे बैठे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने उनको एक ग्राहक की तरफ बात की। कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें वो बिल्कुल उस टाइम लाइव चल रही थी हमारे सामने, जैसे एक साइड से तकरीबन हमला हुआ तो लोग बिल्कुल इकट्ठे होकर के आए, तो किसी की घर के नीचे एक स्कूटी थी, उन्होंने उसको गिरा के आग लगाने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं अरे हम तो आपके साथ, हम तो आप वाले ही हैं। उन्होंने क्या करा, हाँ जी, उन्होंने फिर उस स्कूटी को बकायदा उठाया, स्टैंड पे लगाया और उस पर एक मार्किंग कर दी कि भाई इसको नहीं चलाया जाएगा। और हमने जो बच्चे पता, जो हमारे निगम पार्षद जी हैं प्रमोद गुप्ता जी, उन्होंने तकरीबन उस इंस्टीट्यूट के अंदर उस टाइम आप ये लगा लीजिए 50 अगर बच्चे थे तो 35 उसके अंदर दूसरी कम्युनिटी के बच्चे थे, जो कि अपने वो ड्रेसअप से पता लग रहा था कि हाँ भाई ये नॉन हिंदू है, तो उनको पहले निकाला गया, उनको बोला कि कोई बात नहीं है सबको। जब बच्चे नीचे फेंके जा रहे थे तो लिटरली वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ बचाने में लगे हुए थे, तो प्रमोद गुप्ता जी सिर्फ एक ही बात बोली थी कि भैया इस टाइम जो है ना मुझे इंसानियत देखनी है, मैं ये धर्म और हिंदू और मुस्लिम देखूंगा बाद में, पहले मुझे इंसानियत बच्चों को बचाना है। तो ये चीज़ें देखी, लेकिन वहाँ लेकिन उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की एक तरीके से देखा जाए कोई टारगेट ही ये था कि मारना है। भैया अगर आप किसी चीज़ पे मार्किंग कर रहे हो कि इसको नहीं छूना, ये है, ये हम लोगों की है, और बाकी जो मिल रहा है गाड़ियाँ लगाई, स्कूटियों में आग लगाई, लिटरली उनका तो ये था कि भाई पत्थर से अगर किसी घर में शीशा है उस शीशे को तोड़ो पहले, और उस शीशे में जब उसे एक जगह बन जाए उसके अंदर पेट्रोल पम्प फेंक दो जिससे घर के अंदर पूरे में आग लग जाए। और निशाने बड़े अच्छे थे उनके, टूटा हुआ उसके अंदर से चीजें अंदर पहुंच रही थी। हाँ, मुझे ये भी पता, तीसरी मंजिल पर पत्थर ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल सामने से। हाँ। आप ये सोचिए करीब तो ये 70-80 मीटर की कम से कम रोड होगी। हाँ, है ना, उस साइड से वो इतने बड़े पत्थर फेंक रहे हैं और वो हमारे कानों के पास से यूं निकल रहे हैं जैसे गोली निकली। हाँ, बड़ी तेज, अगर मैं कोशिश करूंगा पत्थर, मेरे को नहीं लगता कि मैं 10 गोली लगी भी है, 2-3 लोगों को यहाँ गोली लगी भी थी मॉरल हॉस्पिटल के पास, कुछ घायल भी हुए थे लोग जिनको गोली लगी थी बाद में, फायरिंग भी हुई थी साथ में। और उसके साथ आप ये लगा लीजिए कि उनको मालूम है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं जिनके ड्रिप लगी हुई है, बच्चे भी हैं औरतें भी हैं, उनका बिल्कुल सामने की चीज थी। हमने तो देखा कि मतलब बिल्कुल ये तो हॉस्पिटल में आग लगाने वाले हैं, वो हम तो उसकी को घेर के खड़े हुए थे, तो सिर्फ हम ये था कि बस हॉस्पिटल मोहन, हम लोग वहां पे खड़े हुए थे मोहन नर्सिंग होम को घेर के कि अंदर ना पहुंच पाए। बट वो क्या हुआ, उस टाइम उन्होंने दूसरी साइड से आग लगाना स्टार्ट किया। इवन आग लगाने की उनकी टेक्निक गाड़ियों में ये थी कि दो, तो उनके अंदर ये इंसानियत भी नहीं थी, नहीं, कि हॉस्पिटल है इसमें मरीज है, महिलाएं कुछ मरीज वहां पे कुछ इस तरीके से थे कि जो बेचारे ऑलमोस्ट उस टाइम अंदर उनकी माँ बैठी हुई है, बच्चे के हाथ में ड्रिप लगी हुई है, अब वो माँ अपने बच्चे को छोड़ के भागे या अपनी जान बचाए, और देख रही है कि सामने से पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, सब वहां से इस तरीके से था कि मतलब के बचाओ के सब के बचाओ। गाड़ियों में आग लगाने का तरीका उनका ये था कि दो बंदे, वो 5 से 6 बंदे थे जो गाड़ियों में आग लगा रहे थे पर्टिकुलर, उनकी फोटोज भी मैंने दी थी
वो क्या करते थे, ग्रीन बेल्ट होती थी पहले यहाँ पे, अब तो मेट्रो की वजह से खत्म हो गई है, दो बंदे कूद के इस साइड आएंगे और दो तीन बंदे ग्रीन बेल्ट में खड़े होकर देख रहे थे कि कोई इधर से कोई आ तो नहीं रहा है, और पीछे की साइड से पथराव हो रहा है, मतलब हम लोग फ्रंट पे जाएंगे नहीं क्योंकि पथराव हो रहा है, और वो दो बंदे उधर जा रहे हैं उनको कवरिंग दी जा रही है पूरी कि कोई इनको पकड़ ना ले, वो दो बंदे आग लगा रहे हैं, फिर वो वापस जा रहे हैं अंदर खड़े हो रहे हैं, फिर वो जो छह चार बंदे हैं उनमें से दो बंदे आ रहे हैं, मतलब वेल प्लान था, चीज बहुत बिल्कुल प्लान किया और फिर एग्जीक्यूट किया बिल्कुल बारीकी से, अचानक कोई दंगा नहीं हुआ 24 तारीख को। इवन मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास वीडियो तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकूं, क्योंकि जो गाड़ी में आग लगा रहे थे ना वो मतलब 20-25 सेकंड के अंदर गाड़ी में इतनी ज्यादा आग लग जाती थी, उनको बोनट खोलते थे पता नहीं उसमें क्या कर रहे थे, क्या नहीं सरिया दिया बोनट खोला और 20-25 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी धधक रही है, 20 सेकंड के अंदर। ये तो अच्छा है कि कोई धमाका नहीं हुआ उस तरह का गाड़ी से, वरना ये तो बहुत खतरनाक था ये सब कुछ। बाइक खींच खींच के डाल रहे हैं कपड़ा, उस साइड से कपड़ा लेके आ रहे हैं, कूद के जा रहे हैं कपड़ा लेके आ रहे हैं, पेट्रोल में डुबा रहे हैं, बाइकों के ऊपर लपेट रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं। और आप सबको सुन के ये लग रहा है कि इतनी प्लानिंग के लिए कम से कम 2-2.5 महीने, अरे सर पता ही कितना लगा होगा, ज्यादा समय लग सकता, ज्यादा समय था बहुत। बस एक बात बताइए, आपने काफी ठीक ठीक तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से, बहुत साफगोई से बात की, अब 4 साल हो गए इस दंगे को, क्या अब आपको लगता है आप सुरक्षित है, अब ऐसे दंगे दोबारा इस क्षेत्र में नहीं लगता? वो उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ नहीं था, 15-20 साल हम भी यहाँ पे रह रहे थे, लगता था कि शायद कभी नहीं होगा, बट अब क्या है, अब मन में डाउट रहता है कि जब भी हम कुछ न्यूज में देखते हैं कि कहीं पे कुछ कहीं मंदिर का कुछ हो रहा है, मंदिर या मंदिर का मस्जिद को कहीं पे तोड़ दिया गया या कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे यही सिर्फ मन में आता है कि क्या वो चीज़ यहाँ तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि वो जो उस टाइम पे हुआ वो यहाँ की चीज़ तो नहीं थी, वो उस टाइम पे शाहीन बाग में चल रहा था, जहाँ पे भी चल रहा था, वो यहाँ पे शुरू हो गया। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिव एरिया तो ये घोषित कर ही दिया गया है, ऑल ओवर आसपास हमारे अगर कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी होती है तो हमारे यहाँ पे नेट बंद कर दिया जाता है, आज भी नेट सेवाएं जो बंद होती है वो कर दी जाती है, तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि आपका नेट बंद कर दिया जाए, दैट मींस कि आप सेंसिटिव एरिया में हैं, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव एरिया में। अभी जो उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले अभी हल्द्वानी में हुआ जी, उस टाइम पे हमने अपने शटर डाउन कर दिए थे, इतना मतलब वो डर है 2020 का आपके अंदर, हमें उसका कोई असर यहाँ ना हो जाए, क्योंकि हमें न्यूज में हम देख रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि सेंसिटिव एरियाज में वो पुलिस को कह दिया गया है तैयार रहने के लिए, दिल्ली में कह दिया गया है, अब दिल्ली में इस क्षेत्र का नाम भी लिया गया, नाम आया था इस न्यूज में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, हाँ जी, कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहा गया कि मतलब पूरा सतर्क रहे, तो वो सब देखते हुए हमने फिर क्या करा कि हमने शाम के टाइम शटर डाउन करा दिया था, फिर हमने नेक्स्ट डे खोला अपने, मैं जब थोड़ा लगा कि हाँ कुछ नहीं हुआ तब हमने ओपन किया। एक बात और बताइए, बार बार ये बात आ रही है कि इस एरिया से लोग अपना घर बेच कर भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में, बहुत लोग जा रहे हैं, इस खरीद कौन रहा है उनका घर, खरीदने वाले देखिए जी, इसमें होता क्या है, कुछ एक आजकल ट्रेंड चल रहा है जी कि कुछ हमारे यहाँ पर लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं अरे यार अब तो माहौल खराब हो गया चलो यहाँ से चलो, तो वो खाली करके जा रहे हैं, वो बेच के नहीं जा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं इसमें वो सिर्फ खाली कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हमें प्रॉपर्टी रखी हुई है लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाह रहे, वो रहना इस वजह से नहीं चाह रहे, देखिए अब आदमी लड़ेगा या अपना काम देखेगा या अपने परिवार को देख करके आगे बढ़ेगा, उसको भरोसा नहीं कि वो लड़ पाएगा। हाँ। इसी लाइन में अगर आप देखोगे कम से कम भी 10 कोठियां आपको ऐसी मिलेंगी जो लोक है, अच्छी खासी कोठी बनी है, वो रेंट पे भी नहीं दे रहे हैं किसी, खुद यहाँ से खाली करके जा चुके, बेच भी नहीं रहे, बेच भी रहे हैं, कुछ बिक भी रही हैं, अब खरीदने वाले भी हैं, अब जो खरीद रहे हैं कुछ अपना फायदा देख के खरीद रहे हैं कि भाई उनको थोड़ा डरा के और कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये भी है वो भी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। जब आप लोग बुरी तरह फंस गए थे यहाँ तो किसी से कोई मदद की उम्मीद थी कि ऐसा कोई मदद के लिए? पहले 1 घंटे लगा था कि शायद कुछ होगा क्योंकि पुलिस भी थी जी। हम लोग भी इस नंबर पे कॉल्स कर रहे थे, अब वो और हमें सुनने में पुलिस वालों से सुनने में मिला कि अभी हमें ऑर्डर नहीं है कुछ करने के, गोलियां चला, हमने कहा उसे प्रेसिडेंट यहाँ दिल्ली आए हुए थे, यूएस के तो सब उधर था सारा ध्यान, हम लोगों ने कहा कि आप हवाई फायरिंग वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हो, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथों में डंडे थे, डंडों से वो कहाँ रोकेंगे पत्थरों को, और मतलब हमला करने वालों में योजना में वो बहुत ही सही एक समय चुना, समय कि प्रेसिडेंट इंडिया में है तो सबका ध्यान उधर है, सारी सुरक्षा वहाँ लगी हुई है, यहाँ फोर्स सारी उधर लगी हुई थी,
इधर उन्होंने अपने बच्चे सेव कर लिए, इधर अपनी कम्युनिटी को पूरा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, ले दे के जो बच्चे थे हम लोग, उनको पता ही नहीं था होने क्या वाला है। तो पूरा एक तरीके से चक्रव्यूह ऐसा गया जिसके अंदर फंसाया गया यमुना नहर के लोगों को। वो तो थोड़ा भगवान का यहाँ पे शुक्र रहा कि हमारे जो निगम पार्षद जी थे और बाकी हमारे लोकल के जो लोग थे वो एक होकर के सामने आए, जिससे कि हमारा ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जो नुकसान बहुत हो सकता था, केवल एक किसी का घर जल जाना नुकसान एक प्रॉपर्टी का नहीं है, उसमें अगर किसी के घर का कोई मेंबर चला जाए तो वो जीवन भर का नुकसान है। तो हम उस नुकसान से बचाए भी, लोगों का जीवन भी गया कई परिवारों में। कुछ प्रिकॉशन के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब अभी फिर कभी कुछ ऐसा जैसा क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशन के नाम का तो देखिए यही है कि बस अब यहाँ पे किया क्या जाएगा। हमने दो गार्ड खड़े कर रखे हैं, प्रिकॉशन बस ये है, पर जब पथराव होगा वो अपनी जान बचाएंगे। हम ना हमारे पास कोई हम हथियार नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ लाइसेंस ही हमने कुछ ले रखा हो। इवन हमें पुलिस की तरफ से उस टाइम पे बोला भी गया था कि अगर आप, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगा था कि शायद हमें टारगेट किया गया है, जो हमारा रेस्टोरेंट था पहचानिए, अचानक नहीं हुआ। हाँ, बहुत ही वो रेस्टोरेंट हमारा, क्योंकि क्या था, दो रेस्टोरेंट हैं उसके बीच में काफी करीब 5-6 प्रॉपर्टीज है जी, वो रेस्टोरेंट जला दिया गया और इधर वाला रेस्टोरेंट जला दिया गया, बीच की प्रॉपर्टी छोड़ दी, उन पे पथराव किए गए बस। हाँ, और ये जलाया गया, ये जलाया गया बकायदा, यानी कि किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया था कि पहले से आइडेंटिफिकेशन थी उनकी, पता था कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आके सबसे पहले जो कैमरा तोड़ रहे हैं वो, बट उनकी गलती क्या हो गई, एक ने लगाया हुआ था मास्क और वो जब कैमरा तोड़ रहा मास्क के नीचे हो गया और उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। वो 4-5 लोगों की फेसेस सामने आए थे जो हमने दे दिए थे एसीबी वगैरह को, और उस टाइम पे न्यूज में भी काफी चले थे वो, बट शायद पता नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। कमल जी आपने बहुत साफ साफ बात, जब इस बातचीत को खत्म करने की, कोई एक ऐसी बात बता सकता है जो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनमें थोड़ी सी उम्मीद जगे इस नॉर्थ ईस्ट? उम्मीद का तो सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ है, जैसे हम उस टाइम एक हुए थे, आम हम आज भी उससे 10 गुना अच्छे ताकत से एक है, एक हुए हैं, एक हुए हैं, एकता। हमने उस दिन उस टाइम भी एकता दिखाई थी और बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो नुकसान बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हो सकता था ना, वो सिर्फ हमारे यहाँ पर एकता की वजह से, जो हमारे यहाँ पर लोकल निगम पार्षद है उन्होंने सब चीज़ों को एक करा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा, यूनिटी सारे सामने आए, बड़ा बुच्चा लेडीज, उस टाइम किसी ने ये नहीं देखा कि मैं औरत हूँ मैं बुढ़ी हूँ, जिसके समय भी बहुत कम था, बहुत कम। आप ये यकीन करिए कि किसी हमारे घरों में देखिए हथियार के नाम पर कुछ नहीं होता, तो लेडीज हमारे पे वाइपर लेके तक तैयार थी रोड पर। सो उस टाइम भी हमने एकता दिखाई थी और आज भगवान की कृपा से हम 10 गुना ज़्यादा मजबूत हैं, तो हम हर तरीके से तैयार हैं।